बिहार में आज नीतीश कुमार ने सरकार बनाने का अपना दावा पेश कर दिया। 20 तारीख को नीतीश शपथ लेंगे और तीनों पार्टियां कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू सरकार में शामिल होंगे। बंपर जनादेश की ताकत के साथ नीतीश कुमार ने आज राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया। नीतीश के साथ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी राजभवन पहुंचे। अब नीतीश 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में पांचवी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नीतीश ने दावा किया कि सरकार पूरी ताकत के साथ काम करेगी। मिलकर परस्पर सहयोग और विश्वास के साथ हम लोग एकजुट होकर काम करेंगे। तीनों दल के लोग मंत्रिमंडल में शामिल रहेंगे। बिहार विकास के रास्ते पर चलेगा। सद्भाव और भाईचारे के माहौल को कायम रखा जाएगा। इससे पहले पटना में आज दो बैठकें हुई। पहली बैठक आरजेडी की थी, जिसमें लालू की अध्यक्षता में आरजेडी के 80 विधायकों ने नेता और सरकार के स्वरूप पर चर्चा की। इस बैठक में आरजेडी के नेता का चयन नहीं हुआ, जबकि दूसरी बैठक महागठबंधन विधायक दलों की बैठक थी, जिसमें तीनों दलों के विधायक शामिल हुए। बैठक में नीतीश को विधायक दल का नेता चुना गया। नीतीश मंत्रिमंडल के स्वरूप के सवाल को टाल गए, कहा इंतजार करिए। तो वहीं तेजस्वी को विधानसभा विधायक दल का नेता बनाने की मांग को लालू ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। गठबंधन नया है, सहयोगी नए हैं और जनता ने उम्मीद से ज्यादा उन पर भरोसा भी किया है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक।